नमस्कार, अर्थ प्रकाश में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ जो है चंडीगढ़ पुलिस के ट्रैफिक सेल में कांस्टेबल देवेंद्र कुमार जी हमारे साथ हैं। ये मूलतः सोनीपत जिले के रहने वाले हैं और जो ये काम कर रहे हैं पर्यावरण को बचाने का, वो अपने आप में ही एक बहुत ही मुख्य बिंदु है। आज के समय में दुनिया भर में पर्यावरण को बचाने की मुहिम चल रही है, सरकारें कहती हैं कि आप पेड़ लगाओ, उसी मुहिम को देवेंद्र जी जो है लगातार आगे बढ़ा रहे हैं और 20 ऐसी नर्सरियां तैयार कर चुके हैं, साथ में अपने एक ऐसी युवाओं की फौज जोड़ चुके हैं जो कि लगातार सोनीपत से लेके हरियाणा के अन्य जिलों में जो है पेड़ लगाने का काम कर रहे हैं। आइए उन्हीं से जानते हैं कि कब से ये प्रयास शुरू किया और कितने लोगों के साथ शुरू किया और अब ये कहां तक काम पहुंच चुका है। देवेंद्र जी, आपका स्वागत है। मैं दैनिक अर्थ प्रकाश की पूरी टीम को नमस्कार करता हूं। इसमें शुरुआत में जब मैं चंडीगढ़ पुलिस में भर्ती हुआ था सिपाही के पद पर, तो यहाँ की हरियाली से ही प्रभावित हुआ था और जब चंडीगढ़ शहर को देखा था, क्योंकि एक हरा भरा शहर और बड़ा सुंदर दिखता है, जब मैंने इस पे अध्ययन किया तो पता चला ये एक फ्रांस के इंजीनियर थे, ली कार्बुजियर, उन्होंने इस शहर को बसाया है और प्लान से इसमें पौधारोपण किया है और ज्यादातर वो पेड़ लगाए हैं जो भारतीय प्रजाति के हैं, जैसे बरगद है, पीपल है, नीम है, पिलखन है, हरडबेड़ा है, आवड़ा है, अर्जुन है, मतलब काफी अच्छी उसमें एक नियम से पेड़ लगाए हैं। तो उससे प्रभावित होकर मेरे मन में ये आया, क्योंकि यहाँ पेड़ ज्यादा है तो पक्षियों की संख्या भी ज्यादा है, बारिश भी ज्यादा होती है, प्रदूषण भी कम है, तो मेरे भी मन में आया जब प्लान से एक शहर को हरा भरा बनाया जा सकता है, क्यों ना हम इसको देख के हरियाणा के गांव गांव को हरा भरा बनाए। तो किस तरह की जो भूमि का चयन जो आप करते हो, ये किस तरह से आप चयन करते हो भूमि का? देखो, इसमें पहले हम गांव में टीमें बनाते हैं, गांव में टीमें युवाओं की टीम बना के उनको जागरूक करते हैं। अब भाई पर्यावरण का मैं तो हमारे लिए कितना जरूरी है, और उनको जागरूक करने के बाद वहां की बंजर भूमि जो पड़ी होती है उसको ठीक करते हैं, या गांव की जो भी पंचायती जमीन होती है, तालाब की लगा लो, शमशान की लगा लो, स्कूल की, स्टेडियम की, उन सभी मुख्य स्थानों पर हम पौधारोपण करते हैं और वहां की गांव के युवाओं को जोड़कर पौधारोपण अभियान चलाते हैं और इस तरह ऑक्सीजन बाग लगाते हैं। जैसे पहले हरियाणा में बनी होती थी गांव में, लेकिन कहीं ना कहीं वो समाप्त हो चुकी है भौतिकवाद के कारण, लेकिन उस बनी की जगह हम ऑक्सीजन बाग लगा रहे हैं। ऑक्सीजन बाग से अभिप्राय ऐसे पेड़ जो ज्यादातर भारतीय प्रजाति के हो, जिसमें जिनकी आयु लंबी हो और पक्षियों की संख्या जिन और ज्यादा बढ़े। तो अभी तक आप कितने पौधे लगा चुके हैं और कब से आपने ये काम शुरू किया था? हजारों युवाओं के सहयोग से हमें 2 लाख से ज्यादा पेड़ लगा चुके हैं और संख्या के विशेष को ध्यान में ना रखते हुए हम अब ऑक्सीजन बाग लगा रहे हैं, जंगल बना रहे हैं, जो कहीं ना कहीं एक ऑक्सीजन का हब है और प्रत्येक गांव में इस तरह का जो जंगल बनना चाहिए और कहीं ना कहीं कई हजार पक्षियों का आश्रय बनेगा। जैसे आप बता रहे हैं कि 2012 से आपने ये काम शुरू किया और 2011 में जो है आप ट्रैफिक पुलिस में यहाँ पे जो है भर्ती हुए थे चंडीगढ़ पुलिस में, तो उसके बाद से लेकर अब तक किस तरह का सहयोग प्रशासन का, हरियाणा प्रशासन का रहा हो या चंडीगढ़ प्रशासन का रहा हो, क्योंकि ये बड़ा जिम्मेदारी वाला काम है और छुट्टी लेके आप वहां पे जाते हो, तो किस तरह से ये काम आगे बढ़ा और सरकारों का किस तरह से सहयोग मिला? देखो, शुरुआत में मैं चंडीगढ़ पुलिस का, क्योंकि चंडीगढ़ पुलिस से ही सारा काम मेरा चला है और जो सीनियर अधिकारी है उनका काफी सपोर्ट रहा है, चाहे अच्छी ड्यूटी लगाने में, क्योंकि कहीं ना कहीं जो ये पर्यावरण का मुद्दा है, पौधारोपण का मुद्दा है, ये पूरे मानव जाति के लिए, पूरे विश्व के लिए है और सरकारों ने भी इस पे, प्रशासन ने भी काफी इस पे पूरा जोर दे रखा है, भाई ज्यादा से ज्यादा वृक्षारोपण हो, पर्यावरण बचे, और सीनियर अधिकारियों ने काफी सहयोग किया और उनके सहयोग से ये कार्य सफल हो पाया और इसके साथ ही सोनीपत प्रशासन ने भी और सरकार ने भी बड़ा पॉजिटिव सहयोग किया, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी अभियान को जन आंदोलन बनाने के लिए
प्रशासन के सहयोग की भी आवश्यकता पड़ती है, सरकार के सहयोग की भी आवश्यकता पड़ती है, और चंडीगढ़ पुलिस का तो मैं आभारी हूँ इस चीज के लिए, क्योंकि यहीं से ये कार्य चल रहा है। जैसा आपने कहा कि सभी प्रशासन की जो सहयोग इसके अंदर रहता है, लेकिन एक सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो है कि आर्थिक तौर पर जो है इस काम को आगे बढ़ाना होता है। युवा आपने जोड़ रखे हैं, पौधों की नर्सरियां भी तैयार करी हैं, पौधे भी तैयार करे हैं, उसमें पैसा भी लगता है, तो ये किस तरह से पैसा इस मुहिम के लिए जुटाते हो? देखो शुरुआत में जैसे युवा जोड़े, क्योंकि किसी भी अभियान को क्रांति की तरह उसको सफल बनाने के लिए श्रमदान की आवश्यकता होती है। शुरू में हम ऐसे युवा जोड़ते हैं जिसमें ज्यादा मात्रा में जो श्रमदान करते हैं, एक समर्पित भाव से कार्य करते हैं। काफी युवाओं ने इसमें श्रमदान के माध्यम से, आर्थिक सहयोग के माध्यम से इसमें सहयोग दिया है, संसाधनों के माध्यम से, किसी ने जमीन के माध्यम से, किसी ने पानी के माध्यम से, और जब भी कहीं भी जरूरत पड़ती है, मैंने भी स्वयं भी इस पे 6 बार लोन लिए हैं, और उस लोन के माध्यम से जब नर्सरियां बनाते हैं उसमें 6-7 लाख का खर्चा आता है, तो उसको पूरा करने के लिए मैंने चंडीगढ़ पुलिस की तरफ से 6 बार लोन लिया। तो अब टोटल कितना जो है नर्सरियां तैयार हो चुकी हैं और कितने पौधे अंदाजा जो है आप लगा चुके हैं इस मुहिम में? देखो जो नर्सरियां सोनीपत में जनता नर्सरी तैयार की है, और साथ में जो अन्य छोटी छोटी नर्सरियां गांव में तैयार करते हैं, और इसके माध्यम से 2 लाख से ज्यादा पेड़ लग चुके हैं, और उसमें हजारों युवाओं का योगदान है, और ऐसे क्रांतिकारी युवा कहीं ना कहीं उनका जो भाव है वो एक पर्यावरण के प्रति समर्पित है, और कहीं ना कहीं आज के समय में जो हम गुलामी महसूस कर रहे हैं वो प्रदूषण ही महसूस कर रहे हैं, और इसके आजादी के लिए कहीं ना कहीं ऐसे क्रांतिकारी, जिस तरह क्रांतिकारी आजादी के समय क्रांतिकारियों ने काम किया, आज ऐसे युवाओं की जरूरत है जो पर्यावरण के लिए क्रांति की तरह कार्य करें और इस प्रदूषण की समस्या से हमें निपटाएं। आपने जैसा बताया कि आप अपनी पूरी सैलरी जो है इस काम के ऊपर खर्च कर देते हो, साथ ही आपने चंडीगढ़ पुलिस से भी इस काम को आगे बढ़ाने के लिए कई मर्तबा लोन लिया, तो मैं जानना चाहता हूं कि परिवार में कौन कौन है और परिवार आगे किस तरह से चलता है आपका? अगर पैसा नहीं है तो परिवार कैसे चलता है? देखो हमारा छोटा एक साधारण परिवार है, और जिस तरह से मैं सारी सैलरी इसमें पौधारोपण में लगा देता हूँ, बात यही आती है भाई परिवार का खर्चा कैसे चलता है। एक तो हमारे जो इतने खर्चे नहीं है, साधारण परिवार है, साधारण भोजन करते हैं और साधारण हमारा रहन सहन है, और मेरे पिताजी आर्मी से रिटायर हैं, उनकी पेंशन आती है, बैंक से भी रिटायर्ड है, तो उनकी 2 पेंशनें आती है, उससे हमारे परिवार का खर्चा चलता है, और परिवार का ही फुल सपोर्ट रहता है, फुल सपोर्ट करते हैं, और ये परिवार के साथ तालमेल और समाज के साथ तालमेल करके ये अभियान चला हुआ है। तो ये आपने जो एरिया बताए हैं कि चिन्हित करे हुए हरियाणा के गांव या हरियाणा का क्षेत्र जो है, और चंडीगढ़ में भी कुछ आपने प्लांटेशन किया है, तो क्या ये पर्टिकुलर उन्हीं एरियाज में करते हो या किसी दूसरे स्टेट में अगर वहां के युवा आपके साथ जुड़े तो वहां पे भी ये काम आगे बढ़ा सकते हो? हाँ, जहाँ के युवा हमारे पौधारोपण की सुरक्षा की और उसकी पानी की जिम्मेवारी लेते हैं, तो किसी भी प्रदेश में, भारत में कहीं पे भी इस तरह का अगर कहीं जरूरत है पेड़ पौधों की, हम इस तरह के ऑक्सीजन बाग लगाएंगे। तो जिला प्रशासन जो है, जिस तरह हरियाणा का जिला प्रशासन है या जो वन विभाग है और चंडीगढ़ का वन विभाग है या चंडीगढ़ प्रशासन है, ये इस मुहिम के अंदर आपको पौधे वगैरह सप्लाई करने में या और सोर्सेज अवेलेबल कराने में या आपके काम को जो है एंडोर्स करते हैं या नहीं करते वो? देखो जो हरियाणा वन विभाग है या चंडीगढ़ वन विभाग है, तो उनके साथ हमारा अच्छा तालमेल रहता है, क्योंकि पौधे तो ज्यादा कर हमें स्वयं जो पर्यावरण मित्रों ने नर्सरी तैयार की है उससे हमें अपने आप तैयार कर लेते हैं 40 से 50 हजार रुपए हर वर्ष से, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ मुख्य बिंदु होते हैं, क्योंकि विभाग इसीलिए बनाया गया है, वहां के जो सीनियर अधिकारी होते हैं उनसे काफी सीखने को मिलता है, और हरियाणा वन विभाग में और चंडीगढ़ वन विभाग के साथ बड़ा ही अच्छा तालमेल रहता है, कोई भी प्रोग्राम बड़ा प्रोग्राम करना होता है तो वहां के सीनियर अधिकारियों से तालमेल करके, क्योंकि जो विभाग का भी मुख्य लक्ष्य यही है भाई पर्यावरण बचाना है और हमारा भी यही लक्ष्य है, और उनसे सीख के हम इस तरह के इस अभियान को मिलजुल कर एक जन आंदोलन का रूप देना चाहते हैं। तो जो ये नर्सरियां स्थापित करी हैं आपने, पूरे पूरे हरियाणा भर में स्थापित करी हैं कि या एक पर्टिकुलर किसी एरिया में है ये नर्सरियां?
एक बड़ी नर्सरी जो सोनीपत में है और अन्य जिलों में छोटी छोटी पर्यावरण मित्रों ने नर्सरियां बनाई हैं और ऑक्सीजन बाग भी बनाए हैं। और इस तरह एक छोटा छोटा जो धीरे धीरे एक बड़ा जैसे बीज लगता है और फिर पौधा बनता है, इस तरह से पर्यावरण मित्र कार्य कर रहे हैं। तो आपको ये काम पूरा करने में काफी समय की भी जरूरत रहती होगी, इस समय की कमी को कैसे पूरा करते हो, क्योंकि आप एक बड़ी जिम्मेदारी में, ट्रैफिक पुलिस का ट्रैफिक सबसे शानदार जो है चंडीगढ़ के अंदर रहता है और ट्रैफिक पुलिस की इसमें बहुत बड़ी भूमिका है। चंडीगढ़ पुलिस जो कार्य है इस क्षेत्र में यहाँ पे कर रही है, शायद हिंदुस्तान के किसी शहर में इस तरह की ट्रैफिक मेंटेनेंस नहीं है, तो उसमें आपका जो छुट्टी का सवाल है वो किस तरह से मैनेज होता है? चंडीगढ़ पुलिस का ट्रैफिक की बहुत अच्छी व्यवस्था है और अन्य प्रदेशों के लिए जो ट्रैफिक की व्यवस्था है ये प्रेरणा का केंद्र है। और कहीं ना कहीं जो छुट्टी व्यवस्था हमारी सीएल होती है, ईएल होती है, एलटीसी होती है, जो लंबी छुट्टियां होती हैं, मानसून सीजन में ज्यादा काम करते हैं और जिस समय मैं ड्यूटी करता हूँ उस समय अन्य युवा साथी हैं, कई सारे युवा साथी जो अपने अपने स्तर पर इस अभियान में लगे हुए हैं और कार्य करते रहते हैं। तो कितने युवा अभी तक आपने इस अभियान में जोड़ लिए हैं? 10,000 से ज्यादा युवा इसमें जुड़े हुए हैं जो कहीं ना कहीं जैसे कोई भी कार्यक्रम होता है उसमें शामिल होते हैं और कई हजार पर्यावरण मित्र बन चुके हैं और जो सीनियर वरिष्ठ मित्र हैं उनका भी आशीर्वाद बना रहता है और छोटे बाल पर्यावरण मित्र है उनका भी सहयोग रहता है। ट्री मैन के नाम से लोग आपको संबोधित करते हैं, तो आपको कैसा महसूस होता है जब आपको लोग ट्री मैन बुलाते हैं? देखो ठीक है, अच्छा लगता है लोगों ने ये नाम दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं हम काम पे मुख्य है, हमारा ध्यान काम पे है और देखो ये संज्ञा है, सरनेम है, ये चलते रहते हैं, लेकिन मुख्य जो आत्मिक शांति मिलती है, जो कार्य बढ़ता है, पेड़ बड़े होते हैं, पक्षियों में घोंसले बनते हैं, उसी से ज्यादा शांति मिलती है। परिवार में और कौन कौन लोग हैं आपके साथ? परिवार में मेरे माता पिता है और धर्मपत्नी है और बच्चे हैं, छोटा परिवार हमारा। तो ये प्रेरणा कहाँ से मिली, शुरुआत कहाँ से हुई? ये चंडीगढ़ की हरियाली को देख के ये शुरुआत हुई और चंडीगढ़ शहर जैसे हरा भरा प्लानिंग सिटीज को देख के मेरे ही मन में आया भी कहीं ना कहीं अपने राष्ट्र के लिए, इस धरती माँ के लिए जो कार्य करना है वो मैंने भी इस चंडीगढ़ शहर को देख के और सोनीपत जिले में इसकी शुरुआत की। तो आगे आपके बच्चों को किस तरह से प्रेरणा दे रहे हैं, परिवार के और लोगों को किस तरह से प्रेरणा दे रहे हैं इस मामले में? देखो हमारा परिवार प्रकृति के साथ जुड़ा ही रहता है और ज्यादातर जैसे जैविक विधि से सब्जियां उगाना या मतलब पेड़ पौधे लगाना या इस तरह के कार्य हम अपने जो परिवार स्तर पर भी करते रहते हैं और बच्चे इसमें काफी, मैं कहता हूँ आज के समय में बच्चों को दर्जनों पक्षियों के या पेड़ों के नाम बचपन में ही याद होने चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो वास्तविक शिक्षा है वो प्रकृति के साथ तालमेल करके ही बनती है। तो लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे, हरियाणा के और देश भर के लोगों को और स्पेशली यहाँ चंडीगढ़ के लोगों को, किस तरह का संदेश देना चाहेंगे? दैनिक अर्थ प्रकाश के माध्यम से मैं हरियाणा के चंडीगढ़ के लोगों को यही संदेश देना चाहता हूँ, जैसे लोग भौतिकवाद में लगातार बढ़ते जा रहे हैं और कहीं ना कहीं जो उनका वास्तविक जीवन है, जो कोरोना जैसी महामारी ने भी उनको एक सबक दिया है, तो दोबारा से प्रकृति के साथ तालमेल करके, मैं ये कहता हूँ भौतिकवाद की तरफ तो बढ़ो ही बढ़ो, लेकिन साथ में जो मुख्य हमारा लक्ष्य है, मुख्य ध्येय है, वो एक प्रकृति के साथ तालमेल बना के, क्योंकि प्रकृति हमारी माँ है, मनुष्य भी इसका हिस्सा है, इसलिए इसके साथ तालमेल बना के हमें ज्यादा से ज्यादा प्लांटेशन करना होगा, पक्षियों को बढ़ाना होगा और पौधारोपण अभियान को एक जन आंदोलन का रूप देना होगा। धन्यवाद अर्थ प्रकाश के लिए, साजिन शर्मा कैमरामैन मनीष के साथ। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।